तो दोस्तों मैं आपको एक कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा था दो तीन दिन पहले। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि इफ़ 3 + 5 + 6 = समथिंग, 5 + 5 + 6 = समथिंग ऐसा होगा देन 9 + 4 + 7 कितना होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सही आंसर दिया है, बहुत सारे लोग गलत आंसर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और कैसे निकालोगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट चार जो डिजिट है ये तो कोई भी कर लिया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर पहले 3 + 5 = 6, 3 + 5 + 6 इसमें क्या है, देखिए 15, 18, 72। तो देखिए 3 × 5 अगर आप करोगे, 3 × 5 तो 15 होता है, यहाँ पर 15 है। देन 3 × 6 करोगे दोस्तों तो 18 होता है, यहाँ पर 18 है। सिमिलरली नीचे भी आप देखिए, 5 × 5 करोगे तो 25 है, यहाँ पर 5 × 6 करोगे तो यहाँ पर 30 भी है। नेक्स्ट में आप देखिए, 5 × 6 करोगे 30 है, 5 × 7 करोगे 35 है। नेक्स्ट नीचे देखिए, 5 × 5 करोगे 25 और 5 × 3 करोगे तो 15। ठीक है, तो मतलब इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है आपको, पहले यहाँ पर 9 × 4 करोगे, जैसे आपने यहाँ पर 5 × 3 = 15 किया है, सिमिलरली 9 × 4 करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और उसका बाद जैसे आप ये वाला जो है इसमें जैसे आप 6 × 3 किए थे, ए का बाद सी, अगर आप पहले वाला को ए, सेकंड वाला को बी और लास्ट वाला को सी मानेंगे, या तो फिर एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो जैसे आप लास्ट इसका साथ 3 का साथ 6 किए थे, यहाँ पर 5 का साथ 6 किए थे, सिमिलरली यहाँ पर ए का साथ सी आपको गुणा करना पड़ेगा 9 × 7। 9 × 7 कितना आता है दोस्तों, 63। तो ये जो चार डिजिट है ये तो कोई भी निकाल लिया है। अभी प्रॉब्लम हो रहा था नेक्स्ट टू डिजिट को लेकर के ही प्रॉब्लम हो रहा था, ये कैसे करके आएगा। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट टू डिजिट ये एक नॉर्मल रीजनिंग नहीं है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जाता है। तो मैं ऐसा ही आपका ब्रेन थोड़ा सार्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब में डाला था और इन फ्यूचर भी डालूंगा। आप करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अगर मिल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो ये जो टू डिजिट है इसको कैसे करके आप निकालोगे। मैं इसको हटा देता हूँ, फ्रेश कर देता हूँ, और कैसे करके निकालोगे नेक्स्ट टू डिजिट ये आपको समझ में आ जाएगा। उस टाइम क्या आया था दोस्तों, 36 और 63, पहला 4 डिजिट आया था और नेक्स्ट 2 डिजिट मेरे को निकालना था। दोस्तों आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें पहले है 3 5 6, ठीक है 3 5 6, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए 3 का साथ 5 को जो है गुना करना है, 3 का साथ 5 को गुना करना है, देन 3 का साथ ही आपको 6 को गुना करना है। 3 का साथ 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5 × 3 = 15 होता है, प्लस 3 का साथ 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, और इसका साथ आपको माइनस करना पड़ेगा लास्ट में, मतलब 6 को इसको माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों कितना आ रहा है आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है, 15 18 कितना होता है दोस्तों, 33 होता है, और 33 के साथ 6 अगर माइनस करोगे दोस्तों 27 होता है, 27, लेकिन यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 72 है। तो आपको क्या करना है, 27 को रिवर्स कर देना है, 27 को अगर रिवर्स करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 72 है, 27 को उल्टा कर देना है, 72 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको लगाना है, सेकेंड वाला जो लाइन है इसमें भी देखिए, 5 का साथ आपको पहले 5 को गुणा करना है 25, देन 5 का साथ 6 को गुणा करना है 30, तो 25 और 30 कितना होता है, 25 25 + 30, तो दोस्तों 25 + 30 55 होता है, और इसका साथ माइनस लास्ट वाला डिजिट करना पड़ेगा 6, तो दोस्तों 6 माइनस करोगे 55 के साथ तो 49 हो जाता है, 49 को उल्टा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है। सिमिलरली थर्ड वाला लाइन में भी आपको सेम चीज़ करना है, 5 × 6 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है, 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है, तो 5 × 6 30 और 35 ये दोनों को अगर आप दोस्तों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और लास्ट में आपको 7 माइनस करना है, 65 से दोस्तों अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से 5 × 6, ठीक है 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है, प्लस 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है, तो
कितना हो गया दोस्तों कुल मिला के 65 हो गया, कितना हो गया 65, और लास्ट में 7 है, यहाँ से आपको 7 घटाना भी है क्योंकि जैसे मैंने बताया लास्ट में आपको यहाँ पर कि सी वाला पोर्शन जो है आपको माइनस करना है या तो फिर जेड वाला पोर्शन माइनस करना है। अगर आप ए वाला लाइन को ए या तो फिर एक समझ रहे हो, ये वाला लाइन को बी और ये वाला लाइन को सी या तो फिर एक्स वाई जेड अगर समझ रहे हो तो आपको जो है माइनस करना है। तो 65 से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा दोस्तों। 58 को अगर उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 85, देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम चीज़ आपको लास्ट वाला लाइन में भी अप्लाई करना है कि क्या है दोस्तों लास्ट वाला लाइन में 553 है, तो 5 इंटू अगर आप 5 करोगे तो 25 होता है, प्लस 5 इंटू 3 करोगे दोस्तों तो कितना होता है 15 होता है, 25 15 कितना होता है 40 होता है, और 40 से अगर आप लास्ट वाला डिजिट ये वाला अगर माइनस करोगे तो 37 होता है, 37 को आपको उल्टा करना है तो 73, देखिए यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होगा दोस्तों, एकदम सेम टू सेम आपको लास्ट वाला में भी लगाना है। देखिए लास्ट वाला में क्या है, 9 इंटू 4 दोस्तों, 9 इंटू 4 कितना होता है 36 होता है, यहाँ पर 36 आपको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। देन 9 इंटू 7 कितना होता है 63 होता है, दोनों का अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों 36 प्लस 63 को जोड़ेंगे और उसका साथ अगर 7 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 36 का साथ 63 अगर जोड़ोगे दोस्तों तो 99 आता है, और 99 के साथ अगर आप लास्ट वाला डिजिट अगर माइनस कर देते हो तो 92 आता है दोस्तों, और 92 को अगर आपको उल्टा भी करना है तो उल्टा तो करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि सारा लॉजिक फॉलो कर रहा है उल्टा, तो 92 को अगर आप उल्टा करोगे तो 29 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 366329 इज़ द राइट आंसर। जो लोग भी ये आंसर दिया है, बहुत सारे लोग ये वाला आंसर दिया है, तो सबको कंग्रेचुलेशंस, आप लोग सही किए हैं, सही लॉजिक किए हैं। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो लोग गलत आंसर दिया है वो लोगों के लिए। इन फ्यूचर ऐसा बहुत मैं प्रॉब्लम कम्युनिटी टैब में डालूंगा, आप करते रहिएगा और आपका ब्रेन जो है शार्प होते जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी भी अगर कोई किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकता है, और एक आसानी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा लॉजिक इसमें आंसर निकालने के लिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको अगर आप ये वाला लाइन को पूरा एक या तो फिर ए समझ रहे हो, ये वाला लाइन को पूरा बी समझ रहे हो, ये वाला को अगर सी समझ रहे हो, या तो फिर इसको मान लीजिए आप एक्स, इसको मान लीजिए वाई और इसको मान लीजिए जेड, तो ये 4 डिजिट के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये तो मैक्सिमम लोग कर ही लेगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मेन आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा ये लास्ट 2 डिजिट के लिए, ये लास्ट 2 डिजिट के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या है देखिए, इसको आपको एक्स जैसे मैंने बताया ये भी फर्स्ट लाइन में ही आता है, ये वाला वाई और ये वाला जेड, तो कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स एक्स वाई, एक्स का साथ वाई आपको गुना करना है, प्लस प्लस क्या करना है दोस्तों, प्लस एक्स का साथ जेड गुना करना है और जो भी होगा उसको माइनस करना है जेड से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉलो कर रहा है, मतलब पहला वाला का साथ दूसरा वाला एक्स का साथ वाई आपको गुना करना है, देन एक्स का साथ आपको जेड को गुना करना है, जितना होगा उससे लास्ट वाला यानी जेड माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अभी मान लीजिए माइनस करने के बाद यहाँ पर आंसर आया है पी क्यू, तो उसको उल्टा करना है आपको, मतलब पी क्यू को क्यू पी करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।